नमस्कार। बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के एपिसोड सेकेंड में, पर एपिसोड सेकेंड को शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या सुना और क्या जाना है। तो महात्मा गांधी अपने परिवार, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपने दादा के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में बताया, अपनी और लास्ट में अपनी माता के बारे में जब वो बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि अपनी माता के बारे में कि मेरी माता बहुत ही साध्वी स्त्री थी, पूजा पाठ में रहती थी, व्रत का पालन करती थी, वैष्णव मंदिर जाया करती थी और अपना व्रत करना कभी भी नहीं भूलती थी, चाहे उनकी तबीयत क्यों ना खराब हो। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इतने से संतोष ना करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। तीसरे दिन मतलब चौमासा सप्ताह, चाहे एक महीने में चार सप्ते होते हैं, चौमासा मतलब एक सप्ताह, हर सप्ते के तीसरे दिन भोजन करने का इन्होंने व्रत करने का निर्णय लिया। ये भी बड़ा कहते हैं ना कि कमाल की बात होती है, महीना में कुल मिला के सप्ते में दो दिन, तो आठ दिन, सिर्फ आठ दिन भोजन, ये ऐसा व्रत था। ठीक है, लगातार दो तीन उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। महात्मा गांधी अपनी माता के लिए कहती हैं कि लगातार दो तीन दिन उपवास करना उनके लिए बहुत ही मामूली थी, आराम से कर लेते थे। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करूंगे। अब सोच लीजिए, एक चतुर्मास में जब तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं करूंगे तब तक भोजन करूंगे ही नहीं। बहुत ही साध्वी महिला थी, पूजा पाठ में इनका बहुत समय व्यतीत होता था और धर्म से इनका जो लगाव है वो यहाँ पर साफ रूप से दिखता है और वही उन्होंने वो बताना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। सोचिए, महात्मा गांधी कहते हैं, बचपन में इन्हें कई नामों से बुलाया गया, आगे हम लोग जानेंगे बचपन के अध्याय में। सोच लीजिए कि बारिश का मौसम रहा होगा, आसमान में बादल छाए रहते थे और इनकी माँ, महात्मा गांधी की माँ ने यह निर्णय लिया कि जब तक वो सूरज के दर्शन नहीं करेंगे भोजन करेंगे नहीं, सूर्य नारायण के दर्शन। तो बारिश के मौसम में अगर आसमान में बादल छाए हैं तो कभी कभी तो बादल कभी कभी तो सूरज के दर्शन भी नहीं होते होंगे, तो बेचारी वो बिना खाए भी रहती होंगी, उपवास भी करती होंगी। और इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि उस बादल भरे आसमान की तरफ वो निहारते रहते थे कि कब सूरज सूर्य नारायण के दर्शन हो जाए और माँ खाना भोजन कर ले। या तो सब जानते हैं कि चौवासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद है कि जब हम सूरज को देखते और कहते माँ माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और माँ यह कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। कभी कभी देखिए, बचपन होता है, बचपन में व्याकुलता और बचपन का जो समय होता है ना वो बड़ा अजीब होता है, जिस चीज़ के प्रति हमारी लगन हो जाती है जिस देखने के लिए। तो माँ के साथ बच्चे बड़े जो है ना क्लोज रहते हैं और माँ के साथ बच्चों के जो आत्मीयता है वो बड़ा मजबूत होता है। तो माँ का उपवास जान करके महात्मा गांधी अपने बचपन में आसमान की तरफ निहारते रहते थे कि सूरज भगवान के दर्शन कब हो जाए। जैसी दर्शन होता था, जैसे दिखते थे, हाँ सूरज सूर्य नारायण जी दिख रहे हैं, वो चिल्लाते हुए माँ को बुलाते, मामा सूर्य नारायण दर्शन दे रहे हैं, माँ भागी भागी आती थी, जब 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 आती थी तो फिर बादल आ जाते थे और सूरज नारायण जो हैं बादलों में छिप जाते थे। तो उसमें भी देखिए संतोष, इनकी माता साध्वी, ऐसे ही महात्मा गांधी ने अपनी माता के लिए सब प्रयोग नहीं किया, संतोष देखिए, कहते हैं कि आज शायद भोजन भाग्य में भोजन नहीं है। ठीक है, ये कहते हुए अपने मन को दिलासा देते हुए अपने काम में डूब जाती थी। माता व्यवहार कुशल थी, राज दरबार की सब बातें वह जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था, कभी कभी माता जी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। बा माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद हैं।
मतलब अब जो है ये अपनी माता के बारे में कहते हैं कि भाई माता को राज दरबार की बहुत सारी बातें पता थी, बहुत सारी बातों को जानती थी, उनकी बुद्धि भी काफ़ी तेज थी। और कभी कभी मैं मुझे याद है कि मैं कभी कभी अपने माँ के साथ जो हूँ राज दरबार में जाती थी और रानी शाह के साथ बातचीत होती थी, तो वहाँ पर भी मैं मौजूद होता था, कभी कभी रहा हूँ। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादो बदी बारिश के दिन अर्थात 2 अक्टूबर यानी वही दिन आ गया जिस दिन की जिक्र करें कि उस दिन मेरे जन्म के महात्मा गांधी के जन्म के दिन के बारे में हाँ वो बता रहे 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में इनकी जन्म की बात है जो कि भादो मास में हुआ था। पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं पोरबंदर जिसे पहले सुदामापुरी के नाम से जाना जाता था, वहीं महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती कराया गया था। मुश्किल से थोड़े से पहाड़े मैंने टेबल वगैरह सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षकों को गाली देना सीखा था। देख लीजिए अब महात्मा गांधी अपने सत्यता का, देखिए सत्य के प्रयोग कितने स्वच्छंद होकर के अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा है, छिपाया नहीं, कि जब इन्हें दाखिला हुआ था तो कुछ स्कूल के बच्चों के साथ इन्होंने गाली देना सीख लिया था और शिक्षकों को गाली भी देने लगे थे। हाँ, मैं भी जान करके बड़ा खुश महसूस होता हूँ कि सत्य कितनी बड़ी चीज़ है, कि किसी भी चीज़ को सत्य के साथ कहना ये बहुत महान कार्य है। हर किसी की बस की बात नहीं और जिसने सत्य के साथ चलना सीख लिया जीवन में कभी वो पीछे नहीं रहेगा। सत्य ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सत्य के साथ अपने बचपन में सत्य के साथ नहीं चला हूं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और सच कहिए तो मेरा बहुत बड़ा समय झूठ के साथ ही जिया हूं। मैं बहुत बड़ा समय सत्य के साथ तो चला ही नहीं हूं। मैं एक झूठ को छिपाने के लिए जीवन में कई झूठ बोलता चला गया जिसकी खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा, जिससे मैं बता नहीं सकता कि मैं किस दौर से उस वक्त गुजरा हूँ, कैसे हालात रही हैं। पर हाँ, सत्य नहीं था मेरे साथ। मैं एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता था, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोलता था, और जिसकी खामियाजा मुझे बहुत हद तक भुगतना पड़ा है, बहुत हद तक। इससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि मेरी स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। ये पंक्तियाँ मतलब अपने, अब ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह की मुझे कुछ ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर हाँ ये चीज़ है कि विद्यालय में दाखिला के बाद मैंने गाली सीख लिया था। तो अपने स्मरण शक्ति के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं उन वैसी बच्चों की तरह वाली जो बालक की तरह हो गया था, पंक्तियाँ जैसे याद होती थी। एकड़े एक पापड़ सेक, पापड़ कच्छो मारो। देखिए गुजराती में लिखा, ये लाइन कहावत जो है गुजराती की है। एकड़े एक पापड़ सेक, एकड़े एक पापड़ सेक, पापड़ कच्चो मारो। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, मास्टर टीचर्स का नाम होता था, उसमें अमर करना नहीं चाहता, मैं उसमें अमर नहीं करना चाहता। दूसरी खाली जगह छोड़ी गई हुई गाली रहती थी जिसे भरने की आवश्यकता नहीं। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि पहले टीचर का एक लाइन में टीचर का नाम होता था, फिर मैं वो नाम बता उन्होंने बताया नहीं है, उस नाम को मैं अमर करना नहीं चाहता हूँ। साफ रूप से लिखा कि मैं उस अमुक शिक्षक के नाम को जनता के लोगों के सामने नहीं लाना चाहता, और दूसरी लाइन में जो है उस शिक्षक के लिए गाली लिखी होती थी, ठीक है, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, गाली है तो गाली है, किसी प्रकार की भी गाली हो सकती है। बड़ा रोचक है। चलिए ये कुछ बातें हैं जिन्होंने बताया है। अब जो एपिसोड 2 में मेन कह लीजिए तो उनके बचपन की बातें हम लोग करेंगे। पोरबंदर में पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट आए,
गए थे। तो राजस्थान पहले ही बताया कि इनके पिताजी जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है थे वो दीवान थे, तो उन्हें राजकोट भेजा गया था। उसमें मेरी उम्र 7 साल की, जब इस महात्मा गांधी के पिताजी को, ठीक है, करमचंद गांधी को दीवान बना के राजकोट भेजा गया था राजस्थानी कोर्ट में, तब उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र 7 वर्ष रही थी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती गए, गांव का एक विद्यालय था उसे ग्रामशाला कहते थे, वहाँ इनका दाखिला हो गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जिस राजकोट में जिन्होंने पढ़ाया उस विद्यालय में गए थे, उस विद्यालय की बातें इन्हें पूरी तरह से याद है। शिक्षक का नाम धाम भी याद है, नाम भी इनको याद था, कौन कौन टीचर थे। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी ज्ञान के लायक कोई खास बात नहीं, पर पोरबंदर में जो दाखिला हुआ था तो वहाँ पे ज्ञान के बात के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर भी कहते हैं कि ज्ञान की बातें करने के लायक कुछ वैसा नहीं था वहाँ के विद्यालय में भी। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में ज्ञान के लायक कोई खास बात नहीं है, मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। साफ कहते हैं एवरेज स्टूडेंट थे, कोई बहुत पढ़ने में जिज्ञासु ब्रिलियंट नहीं थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, साधारण एवरेज छात्र के रूप में ये जाने जाते थे। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल, ग्राम सा गाँव से फिर जो उपनगर की शाला होती है मिडिल स्कूल हो गया उपनगर वाला, फिर उसके बाद हाई स्कूल 10th वाला पढ़ाई के लिए। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12 वर्ष बीत गया, मैंने आपका हाई स्कूल तक पहुँचने में इनके 12 साल जो हैं बीत गए थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षक को धोखा दिया। 7 साल के बाद जब उन्होंने पोरबंदर से राजकोट आए तो ये कहते हैं कि मुझे ये बात याद नहीं है और ना याद पड़ता है कि इस दौरान, इन 12 साल के दौरान मैंने किसी शिक्षक को धोखा दिया होगा, ना तब किसी को मित्र बनाने का स्मरण है, मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। मतलब ये भी कहते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त वोस्त नहीं थे, मित्र बनाना मुझे आता नहीं था, मैं बहुत शर्मीला था, चुपचाप रहने वाला बच्चा था, बातों को मैं सबके सामने प्रकट नहीं कर पाता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता, मतलब पहले नहीं, घंटी बजने के वक्त, जैसे बजने के कुछ पहले ही पहुंचते होंगे विद्यालय, और जैसे छुट्टी होती थी घर, वहां से विद्यालय से सीधे घर की तरफ भाग पड़ते थे। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि बातें करना मुझे अच्छा ना लगता था, साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तो ये साफ कहते हैं भागना शब्द, छुट्टी के भागना जो लिखे हैं, जाना भी ले सकते थे लेकिन इन्होंने लिखा भागना, क्योंकि लोगों से बात करना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। और सबसे बड़ा चीज है कि लोगों से दोस्ती या बातें करने में इन्हें सबसे बड़ा डर ये इस बात की होती थी कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाते। ये अपने आप को कह लीजिए कि यहाँ पर इनमें नेगेटिविटी थी, इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स था कि लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, इसलिए ये क्या करते थे छुट्टी के तुरंत बाद एकदम दौड़ करके यहाँ से 9-10-11 हो जाते थे घर की तरफ, किसी से कोई बातचीत करते हुए विद्यालय से वो घर नहीं पहुंचते थे, ना इन्होंने कोई दोस्ती बनाया था। चूंकि शर्मिले स्वभाव के थे, इंट्रोवर्ट थे, तो डर था कि कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। उस मजाक से बचने के लिए ये भागने विद्यालय से भागते थे छुट्टी के बाद, किसी के लिए रुकते नहीं थे। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय एक घटना उल्लेखनीय, अब याद करते हैं जब हाई स्कूल में दाखिला हुआ तो एक घटना इनके साथ घटी। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय के निरीक्षण करने आए थे, तो जहाँ इनके हाई स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ शिक्षा विभाग का एक इंस्पेक्टर था, एजुकेशन इंस्पेक्टर जिसे आज भी कहते हैं, वो पहुँचा, जिसका नाम था जाइल्स, और वो विद्यालय के निरीक्षण करने के लिए पहुँचा था। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों की अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए, ठीक है, पहली कक्षा के विद्यार्थियों के अंग्रेजी के 5 शब्द, उनमें से एक शब्द केटल था, केटल जिसको हम लोग जानते हैं केटल क्या होता है, ठीक है, चाय वाय बनते हैं ना रोड में देखते हैं तो केटल में चाय बनता है, मैंने इसके हिज्जे गलत लिखे थे, केटल जो लिखवाया गया, ठीक है, तो इसका जो भेजा था वो मीनिंग उन्होंने सही लिखा नहीं। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, टीचर जो था वहाँ पे साथ में, तो इंस्पेक्टर के साथ में जो क्लास में टीचर था वो देखा कि गलत लिख रहा है मोहन, तो बूट अपना जूता से जो है एक लात धीरे से मारा, मतलब गलत इशारा किया उसको, तुम गलत लिख रहे हो, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा। तो ये कहते हैं मैं क्यों सावधान होने लगा, मैं उन्होंने मारा, मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मुझे यह ख्याल ही नहीं
हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मतलब उस समय ने कुछ याद नहीं रखा कि मतलब वो इशारा कर रहे थे कि बगल वाले का भाई कॉपी देख लो, उस पर जो सही लिखा है सही, वो सही लिखा है तुम उसको उतार लो, तुम्हारा गलत है। ये उस चीज़ को समझ नहीं पाए, एक तरह से कह लीजिए कि वो शिक्षक के लिए चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था उस वक्त, क्योंकि वो इंस्पेक्टर था। अगर ये गलत लिखते तो हो सकता था कि टीचर्स के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता, तो टीचर अपनी बचाव के लिए इन्हें इशारा कर दिया कि भाई तुम जो हो ऐसा करो, बगल वाले को देख लो, इशारा करते हुए नोक मारा, जूते की नोक से मारा था। मैंने ये माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें, और इन्हें यह महसूस हुआ कि शिक्षक जो हम लोग को देख रहे हैं कि एक दूसरे की कॉपी या पट्टी जो है देख करके कोई लिख तो नहीं रहा है, तो मैं इस डर से मैं सामने वाले बगल वाले सबको की कॉपी वगैरह पे नहीं देख रहा था, मैंने चोरी करने का निर्णय नहीं लिया। सब लड़कों के पांच सब सही निकले, मेरा अकेला और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। मतलब जितने बच्चे थे जिन्हें सबने पांच के पांच सब सही लिखा, लेकिन मैं बेवकूफ कधा। महात्मा गांधी खुद को कहते हैं, मुझे मत समझना, महात्मा गांधी खुद को कहते हैं कि मैं बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ मैं निकला। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर कोई असर ना हुआ। बाद में शिक्षक जो है उसकी बेवकूफ़ी को बाद में दिखलाया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ये बताया। गुस्से में भी शिक्षक रहा होगा उस वक्त, क्योंकि उसने इशारा भी किया था कि बगल वाले का देख लो, तुम्हारा गलत है, कटल सबका हिज्जा, लेकिन तुम तो देखे नहीं, सबसे बड़े ब्रिलियंट हो तुम, हाँ। तो उसको समझाने, लेकिन उन्होंने उस बात पर कभी गौर नहीं फरमाया कि मैंने क्या गलती किया। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी देखकर चोरी करना कभी ना सीख सका। अब यही वजह था कि जो इन्हें आता था वो लिखते थे, जो नहीं आता था वो नहीं लिखते थे या गलत लिखते थे, पर दूसरे की कॉपी चोरी करके नहीं लिखते थे। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों। इंसान देख लीजिए, एज अ स्टूडेंट अपने छात्र जीवन की बात इन्होंने कहा कि उन्हें जो आता था, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी आता है तो आप अपने मन से लिखो, नहीं आता है मत लिखो, क्योंकि अगर आप दूसरे की कॉपी को देखकर लिखते हो तो वो आपका ज्ञान नहीं है और वो कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। नंबर आ जाएंगे, संख्या आपके प्रश्न पत्र पे, उत्तर पत्र पे जो है पुस्तिका पर मिल जाएंगे, पर वो ज्ञान आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप वही लिखे जो आपको आता है और सुधार करने का प्रयास करें। चोरी करके लिखना, ये इसलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पे कहा, याद दिलाया कि मुझे चोरी करना कभी आया नहीं, मैं सीख नहीं सका कि दूसरे की उत्तर पुस्तिका को देखकर मैं कैसे लिख सकूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम सभी को इस बात से सीख लेना चाहिए, जो आपको आता है आप उसी को लिखे, नहीं आता है छोड़ दे, गलत लिखे पर लिखे, पर जो है चोरी ना करे, चोरी करके ना लिखे। और छात्र जीवन में इससे बड़े ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ज्ञान है, आप सभी को सीखना चाहिए। चलिए आगे चलता हूँ, बहुत अच्छी सीख हमें मिली है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इससे जरूर सीखने को मिलेंगे, आपको भी सीखने को मिलेगा। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ। पर ऐसा नहीं था कि शिक्षक ने मुझे बेइज्जत किया तो मैं शिक्षक के लिए मेरे मन में कोई दोष उत्पन्न हो गया या फिर उसके लिए कुछ नफरत अपने मन में पैदा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। ये साफ रूप से महात्मा गांधी कहते हैं, बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बड़ों के दोष न देखने का, देखिए इन्होंने साफ रूप से कहा कि देखिए हम लोगों में आदत होती है ना कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरे की गलती को खूब देखेंगे। अरे सर वो तो ऐसे कर रहा है, वो हल्ला कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, तो ये कहते हैं कि मुझे बड़ों का दोष देखना नहीं आता था। ठीक है, साफ रूप से कहते हैं कि मुझे बड़ों का दोष देखना नहीं आता था, यह गुण मेरे स्वभाव में ही था, मेरे नेचर में ही था कि मैं दूसरों की गलतियां वगैरह नहीं निकाला करता था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे। बाद में जो आगे चल करके जो जिन शिक्षकों की बात हो रही है उन शिक्षकों के दूसरे दोष भी इन्हें पता चला था, फिर भी इनके प्रति महात्मा गांधी कहते हैं कि दोष पता चलने के बावजूद भी उन शिक्षकों में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, उसके बावजूद भी उस शिक्षक के प्रति मेरे मन में आदर कम नहीं हुआ।
ऐसा नहीं था कि अगर वो टीचर गलत है या फिर किसी प्रकार से उसमें कुछ दोष हैं तो उसको लेकर के दिमाग में हमने गलत बैठा लिया, अरे वो शिक्षक तो ऐसा ही है, कुछ आता जाता नहीं है, वो खाली बड़बोलापन वाली कहानी है। नहीं, इन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षक होते हैं, दोष कुछ भी और इंसान में कुछ ना कुछ दोष होता है तो उनमें भी रहा होगा, तो मेरे मन में उस शिक्षक के प्रति कोई आदर, जब कभी भी आदर घटा नहीं। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए नैतिकता की बात है कि बड़े बड़ों की आज्ञा, महात्मा गांधी कितने सहज शब्दों से कहा कि मैं इस बात को भली भांति जानता था कि जो बड़े हैं उनकी बातों का पालन करना चाहिए, ठीक है, उनके दोष निकालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ कहा है तो उसे पूरा किया जा सके, ये सबसे बड़ी बात थी। आगे चलिए, वे जो कहें सो करना, करे उसके काजी न बनना। देखिए कहते वे जो कहें सो करना, महात्मा गांधी कहते हैं कितना अच्छा लाइन, वे बड़ो जो कहें सो करो, करे उसके काजी न बनना, ठीक है, पर उसका काजी नहीं बनना है, गुलाम नहीं बनना है, ठीक है। उसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे, साधारणता पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था, मतलब किताब स्कूल की किताबों को छोड़कर जो है और कोई ऐसा नहीं था कि कोई कहानी किताब नहीं पढ़ने का शौक रहा हो, नहीं, किताबें जो विद्यालय में मिलती थी चलती थी वही किताबें पढ़ते थे, उससे ज़्यादा का काम भी ये नहीं करते थे। सबक याद करना चाहिए, जो याद पाठ याद करने को दिया वो याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था। कहते थे कि कभी याद ना किया तो शिक्षक की डांट पड़ती थी, उलाहना दी जाती थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो प्रयास करता था मैं कि शिक्षक के दिए गए कार्यों को मैं हमेशा याद करके जाऊं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि शिक्षक की उलाहना को सुनना पड़े, गुस्से को डांट को सुनना पड़े। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये आत्मसम्मान की बात है कि उलाहना सहा नहीं जाता, उपहास सहा नहीं जाता, ये आत्मसम्मान की बात है। अगर आप में अपने सम्मान की रक्षा है तो आप अपने कार्य को पूरा करके जाएंगे ताकि विद्यालय में अगर कोई शिक्षक आपके ऊपर उंगली उठाए तो उठाने के पहले सोचे कि क्यों मैं उसे बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ा लेशन है बच्चों, बहुत बड़ा लेशन है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, हर एक व्यक्ति के लिए जो है ये एक लेसन अध्याय है। और ऐसे कई प्रसंग हैं इस किताब में, उनके जीवनी में, जो सीखने लायक है। और बचपन से तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं जिसे हमें सीखना चाहिए, हमें उसे याद रखना चाहिए। तो पाठ हमेशा याद करके जाइए और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होइए। अब आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षक के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप शिक्षक के साथ मुंह लगाना शुरू कर दी, ये महात्मा गांधी ने अपनी किताब में कहीं नहीं लिखा। शिक्षक में दोष होने के बावजूद भी महात्मा गांधी अपने शिक्षकों के प्रति उदार रहे हैं और आदर करते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मन अलसा जाता, इससे अक्सर सबक कच्चा रहा, लेकिन ये भी कथ है, पूरी अच्छी तरीके से मुझे याद नहीं होती थी, याद करते करते मन अलसा आलस हो जाता था और जो सबक याद करनी थी वो पूरी अच्छे तरीके से याद नहीं होती थी। देखिए सब कुछ कहते हैं, वो अपनी सारी बातें लिख रहे हैं, अपनी व्यथा को बता रहे हैं, ये अनुभव है उनका कि उन्होंने क्या किया। और ये सब कुछ हम लोग के साथ भी होता है, बाल्यावस्था हर किसी का एक जैसा ही होता है, ठीक है। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों करे, सही बात है, अपना सबक अपनी पाठ्य पुस्तक की बातें याद नहीं आ रही तो कौन सी कहानी है किताब पढ़ लूं मैं, एकदम सही बात है कि खुद की जो कक्षा के पाठ्य पुस्तक है वो ही पढ़ा नहीं जा रहा है तो फिर दूसरी कौन सी किताब पढ़ूं, उसमें कैसे मन लगा लूं, या इसी में मन नहीं लग रहा तो उसमें मन कैसे लगा लूं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगा है ना। चलिए किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, लेकिन याद करते हैं कि एक किताब मेरे पिताजी ने एक पुस्तक खरीदी थी, करमचंद गांधी इनके पिता थे, और उस किताब पे मेरी नजर पड़ी, नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। देखिए किताब के बारे में फिर भी घटना गई, कुछ जो किताब खरीद के लाए थे महात्मा गांधी के पिता, उस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। श्रवण की कहानी आपने सुना है, ठीक है, इस तरह से श्रवण जो है अपने माता पिता को तीर्थ का दर्शन कराने के लिए कंधों पर ले जा रहे थे, उसमें उनकी मृत्यु भी हो जाती है, हत्या भी कर दी जाती है दशरथ के द्वारा,
तो वो वही नाटक का किताब था और उस पर इनकी नजर पड़ी। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उस किताब को, नाटक को, उसकी बात सुन करके, किताब के पृष्ठभूमि पुस्तक देखने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं इस किताब को पढ़ूं, और वो पूरी किताब पढ़ गए। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र देखने वाले भी घर घर आते थे। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र देखने वाले घर घर, मतलब कुछ लोग होंगे जो घर घर आते थे, जो शीशे में चित्र देखा करते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कहाँ देखी। एक्चुअली चलचित्र, पहले के ज़माने में चलचित्र होता था क्या, तो बॉक्स टाइप से बना होता था और वो घूम घूम के आते थे और दूर से जो है देखा करते थे, और अंदर जो है बहुत सारे चित्र लगे रहते थे, और इधर बाहर से जो व्यक्ति होता था घुमाते रहता था, अलग अलग चित्रों का दिखाया जाता था। तो उन्हीं चित्रपटल में महात्मा गांधी ने श्रवण को अपने माता पिता को अपने कंधों पे बंगी रखते हुए ले जाते वाला दृश्य देखा था। दोनों चीजों का मुझे पर गहरा प्रभाव पड़ा, किताब और ये चित्र के पर जो प्रभाव है महात्मा गांधी के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ गई। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। अब इनके दिमाग में, जहन में, देखिए पाठ्य का मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ना, और अच्छी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको आत्मसात करना होता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ लिया, मतलब जो अगर हम किसी नैतिकता की चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, तो उसे हमें आत्मसात करना है, अपने जीवन में उसका उपयोग करना है, तभी वो पाठ कहलाएगा, अदरवाइज वो पाठ नहीं कहलाया। ठीक है, तो इन्होंने जो पढ़ा उसको अब जीवन में वो लाना चाहते थे, और उनके जैसा, श्रवण कुमार के जैसा ये बनना चाहते थे, इनकी मन की इच्छा होने लगी। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है, सबको याद है, आपने भी पढ़ा है तो ऑब्वियस होगा कि किस प्रकार दोनों अंधे थे, और पुत्र की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो विलाप तो होना तय है। तो विलाप की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला दिया। तो अब जो है धीरे धीरे संगीत के भी शौकीन होने लगे कुछ बाजा बजाने के लिए। तो पिताजी ने भी एक बाजा जो है खरीद कर दिला दिया कि लो तुम बजाया करो। उन्हीं दिनों कई नाटक कंपनियां आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। उस दिनों कई नाटक कंपनियां राजकोट में आई जो नाटक दिखाते थे, और महात्मा गांधी को नाटक को देखने की इजाज़त मिली थी। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही नहीं था, ठीक है, और जो नाटक आते थे उसे देखने में इन्हें बहुत मज़ा आता था, ये कभी थकते नहीं थे। हरिश्चंद्र का आख्यान था, ठीक है, हरिश्चंद्र का आख्यान, उसे बराबर देख रहे, मतलब हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात की जा रही है, और इस नाटक को महात्मा गांधी बार बार देखना चाहते थे। कहे ना, सत्य की आस्था थी महात्मा गांधी में, इसलिए सत्य की हर वो चीज इन्हें अच्छी लगती थी, और सत्य को समझ कर करके वो आगे बढ़ते चले जाते थे, उसमें रुझान, अपनी इच्छा जो है दिखाते चले जाते थे। लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता, एक बार देखने, सही बात है भाई, एक बार देख लिया तो बार बार तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक में क्या देखोगे, जाने कोई देगा नहीं, एक बार देख ही लिया हो गया कहानी। पर अपने मन में मैंने उस नाटक के को सैकड़ों बार, मतलब सोच लीजिए कि वो देखे, और उसको इस प्रकार से अपने जहन में याद कर लिया कि वो अपनी आंखों से ऐसे नाटक में ना हो करके भी उन्हें महसूस होता था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानियां उन्हें नाटक के रूप में उनके आंखों के सामने चल रही है। तो मन ही मन सैकड़ों बार सत्यवादी राजा, तब ये काफी सोचा करते थे, यही वजह था कि वो सारी कहानियां को ये कह रहे हैं कि सैकड़ों बार मैंने देख लिया। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, देखिए बहुत बड़ा सवाल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एक सवाल इन्होंने रख दिया कि व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र की समान सत्यवादी क्यों नहीं होते, हर एक व्यक्ति क्यों सत्य के प्रति अपनी आस्था क्यों नहीं दिखा पाते। बहुत बड़ी सवाल है, इसके जवाब भी शायद किसी के पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है कि मैं दे सकूं, और शायद प्रखंड विद्वानों के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि इंसान आज झूठा क्यों हो गया है, राजा हरिश्चंद्र की पाठ से शिक्षा लेकर के सत्यवादी क्यों नहीं बनता।
सत्य के रास्ते पे क्यों नहीं चलता। यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियां को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। कहानी में जैसा आपने जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन समय के साथ जो है उनकी संपत्ति राज्य छिन गया और उन्हें जो है जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था वहाँ पे काम करना पड़ा, अपने बच्चों से उन्हें दूर होना पड़ा। तो जिस प्रकार की विपत्तियां, इनके बच्चे की मृत्यु हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की विपत्तियां राजा हरिश्चंद्र पे पड़ी तो सत्य की परीक्षा तो उसी वक्त होती है। और वास्तविक सत्य भी वही है कि विपत्तियों के बाद भी सत्य का साथ ना छोड़ना, ठीक है, वही वास्तविक सत्य है। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उसका स्मरण करके मैं खूब रोया। सोच लीजिए कितने ही मार्मिक हृदय के थे महात्मा गांधी कि उस कहानी को जान करके इनके मन में कई बार जो हैं दुख के बोध जो हैं छलके हैं और बहुत बार खूब रोए हैं ये उनकी विपत्तियों को जान कर समझ कर। आज मेरी बुद्धि समझती है कि राजा हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। पर आज जब बड़ा हो चुका हूँ तो मैं समझता हूँ कि कोई राजा हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो दो कथाओं के वजह से राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी मेरे मन में मेरे हृदय में जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूँ तो आज भी मेरे मतलब एक साफ कहते हैं कि वैसे नाटकों को पढ़ा जाए तो मैं आज भी अगर राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की नाटकों को पढ़ूँ तो आज भी मेरी आँखें गीली हो जाएंगी, नम हो जाएंगी, मैं रो पड़ूंगा। और वास्तविक यही है कि वाकई ये जो दोनों किताब हैं, राजा हरिश्चंद्र की नाटक और श्रवण कुमार की कहानी, जब कभी आपको कभी दोनों नाटकों के बारे में पढ़ने का मन करे तो आखिर आप खुद रो जाइएगा ऐसी विपत्तियों को देख कर कि इंसान ऐसे भेजिया है, ऐसी विपत्तियां पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों कैरेक्टर महात्मा गांधी के जीवन में जीवित रह गए, अमर हो गए और जीवन भर इन दोनों से शिक्षा लेते रहे। तो ये बचपन की बातें थी। कल के अध्याय एपिसोड 3 में हम लोग महात्मा गांधी के तीसरा अध्याय बाल विवाह के ऊपर पढ़ेंगे कि बाल विवाह की कहानी क्या थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।